बीजेपी के मिशन 2024 का आज पश्चिमी यूपी से आगाज। प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर में दोपहर में रैली को करेंगे संबोधित। 2014 में भी बुलंदशहर से प्रधानमंत्री ने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली, मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। पश्चिमी यूपी के सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा, जयपुर पहुंचेंगे दोपहर में। आज मैक्रों के साथ जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। फ्रांस के कई मंत्री सीईओ भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को देश को करेंगे संबोधित। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा, दिल्ली को 28 सुरक्षा जोन में बांटा गया। कर्तव्य पथ पर 14,000 जवान तैनात रहेंगे, जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इस बार कर्तव्य पथ पर परेड देखने जाने वालों पर सेकंड की चेकिंग होगी, 3 लेयर जांच से उनको गुजरना होगा। शाम 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल के सरपंच। गणतंत्र दिवस परेड में सरपंच भी लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के युवकों को नियुक्ति पत्र देंगे गृहमंत्री अमित शाह, वर्चुअली 75 ई बस को लॉन्च भी करेंगे। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 7 बजे ईवीएम हैक करने को लेकर दावा कर सकते हैं सैम पित्रोदरा। आज नेशनल वोटर्स डे, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बने लाखों वोटर्स से वर्चुअली बात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा करवा रही है कार्यक्रम का आयोजन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 12वां दिन, राहुल गांधी ने बंगाल में ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया लेकिन शामिल होने की उम्मीदें हैं कम। लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कांग्रेस बोली लंबे सफर में मुश्किलें आती हैं, अभी उम्मीदें हैं। इंडिया अलायंस में टूट पर आम आदमी पार्टी का बयान, बंगाल में टीएमसी बड़ी पार्टी है, सीट शेयरिंग मुश्किल है। ममता के अलग होने पर सीपीएम का बड़ा बयान, सीपीएम ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सीपीएम नेता सलीम ने कहा कि ममता बनाम मोदी करवाना चाहती है बीजेपी, हमारे लिए नेता नहीं एजेंडा महत्वपूर्ण है। कनाडा के पूर्व सीएम बसवराज का बयान, टूट चुका है इंडिया गठबंधन, जनता का भरोसा भी खो चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस और डीएमके के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर 28 जनवरी को हो सकती है बात। यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे पर नहीं बन पा रही बात, कांग्रेस की डिमांड 15 से 20 सीट, अखिलेश 10 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। ममता के कड़े तेवर को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का समर्थन, आदित्य ठाकरे का बयान, शेतली की तरह लड़ रहे हैं ममता बनर्जी। टीएमसी के बाद कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में दिया झटका, पंजाब के सीएम अहमद मान बोले कि सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर में लगी चोट, बर्धमान में कोहरे की वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ। बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री की रैली से पहले बीजेपी ने बिछाई सियासी बिसात, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, बोले मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान पर बोली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बोले कि गरीबों के मसीहा का पीएम ने किया सम्मान। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसा, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि स्टोव पर कोयला। एक वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुबह उठते ही चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालकर उसे जलाते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश, 30 जनवरी को करवाएं मेयर का चुनाव। अयोध्या में दर्शन का तीसरा दिन, सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने फरवरी में अयोध्या नहीं जाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक आम लोगों को देखते हुए मंत्रियों से मार्च में जाने के लिए कहा गया। कोविड खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत से अगले हफ्ते होगी पूछताछ, ईडी ने भेजा है समन। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने 11 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दागे गए सवाल। रोहित पवार से पूछताछ के दौरान ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद रहे एनसीपी कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश भी की गई। ईडी दफ्तर तक रोहित पवार के साथ पहुंचे सुप्रिया सिले, अंदर जाने से पहले भतीजे को दी संविधान की कॉपी। कल पूछताछ से पहले एनसीपी दफ्तर पहुंचे थे रोहित पवार, पैर छूकर दादा शरद पवार का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी विधायक रोहित पवार हैं और 5 जनवरी को ईडी ने बारामती एग्रो पर छापेमारी की गई। रोहित पवार पर ईडी की कार्रवाई को सुप्रिया सुले ने राजनीतिक एक्शन बताया, कहा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी का छापा होता है। लगातार मुंबई की ओर बढ़ रहा है मनोज जरांगे पाटिल का कारवां, 5वें दिन पुणे में दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। आज बंद रहेगा नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट, मनोज जरांगे के समर्थकों के रहने और खाने का इंतजाम किया जाएगा।
हरियाणा में दो समुदायों के बीच में विवाद में दो कांस्टेबल निलंबित, गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा बोले कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। गुवाहाटी में कांग्रेस के टकराव के पीछे की मंशा की जांच के लिए एसआईटी भी बनेगी। जयनंत देहतराय से सीबीआई करेगी पूछताछ, दोपहर 2 बजे बुलाया गया। टीएमसी नेता महुआ मोइतर के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल की भेजी गई शिकायत की जांच के बारे में पूछताछ। ज्ञान बापी मामले से जुड़े हुए दो पार्टियों को दी जा सकती है एसआई सर्वे की रिपोर्ट, आ सकता है फैसला। नीरव भयंदर के नया नगर में 21 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। कुपवाड़ा में गिरी ताजा बर्फ, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। कड़ाके की ठंड की चपेट में दिल्ली एनसीआर, एक्यूआई भी गंभीर श्रेणी में। दरभंगा में शीतलहर का कहर जारी है, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। मदुरई में घना कोहरा छाया हुआ है, कोहरे के चलते पार्किंग लाइट ऑन कर गुजर रहे हैं। देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता ने यूपी पीसीएस में हासिल किया पहला स्थान, यूपी में टॉप करने पर सिद्धार्थ के परिवार में खुशी की लहर। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लौटी उत्तराखंड महिला कबड्डी टीम का सम्मान समारोह, भारत भूषण ने सम्मानित किया। धनबाद आईआईटी इंजीनियर्स ने एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल से बायोकोल तैयार करने की तकनीक का आविष्कार किया, स्टील और थर्मल प्लांट में होगा इस बायोकोल का इस्तेमाल। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपील की गणतंत्र दिवस पर हर घर तिरंगा लगाया जाए। समुद्र की सफाई को लेकर चेन्नई में चला अभियान, बच्चों ने की इस अभियान में शिरकत। आईसीसी ने घोषित की वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023, रोहित शर्मा को बनाया गया इसका कैप्टन।